मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि जब तक गांव का विकास नहीं हो पाएगा तब तक जो है जिला राज्य जो है मजबूत नहीं हो पाएगा। इस वक्त सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है और सरकार आपके द्वार के माध्यम से जितनी भी समस्या है उनका निपटारा किया जा रहा है। अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान की दिखा रहे हैं, जहाँ की इस वक्त अनगड़ा प्रखंड के सिरका पंचायत से रोशन लाल मुंडा जो वहाँ के मुखिया हैं उन वह पहुँचे हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना इनके पंचायत में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से निपटारा हो रहा है, कितना लाभ मिल पा रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाएगा, युवाओं को एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रोजगार के लिए सरकार ने कहा था कि 5 लाख रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अब वह कह रहे हैं कि जो है जितने बकरी पालन हो या मुर्गा पालन हो यह करे युवा, ट्रैक्टर स्कॉर्पियो चलाए, कृषि के क्षेत्र में हो या तमाम चीज़ों को लेकर जो है कह रहे हैं कि प्राइवेट नौकरी में जो है कई हज़ार युवाओं को प्राइवेट नियुक्ति पत्र जो है बांट रही है यह सरकार। आपको क्या लगता है रोशन जी, आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, मुखिया हैं, जनप्रतिनिधि हैं, कितना विकास गाँव का हो पा रहा है इस सरकार में? लगभग 4 साल सरकार के पूरा होने को है, लेकिन सरकार कहती है कि 2 साल कोरोना रहा, फिर कोरोना में हमें काम करने का मौका नहीं मिला, मजदूरों को हमने वापस जरूर लाया राज्य में, आदिवासी मुख्यमंत्री है उनको काम करने के लिए ADCVI लगा दिया जा रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है कि गाँव तक जो है सरकार पहुँच पा रही है, अधिकारी पहुँच पा रही है? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब कोरोना की वजह से विकास थोड़ा तो बाधित हुआ ही है, लेकिन विकास का जो रफ्तार होना चाहिए थोड़ा रफ्तार कम हुआ जी। सरकार की पहुंच गांव तक ज़रूर बना है जी। और पंचायती राज विभाग की तरफ से और एज ए पंचायत प्रतिनिधि हम लोग सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं और सरकार की योजना जो चल रही है उसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो हमको केंद्र अनुदान का जो राशि मिलता है उस राशि से जितना विकास हो पाता है विकास का कार्य करने में हम लोग कोई कोताही नहीं बरतते हैं। बाकी हम लोग एक आसरा, उम्मीद और टकटकी निगाहें से देखते रहते हैं कि कौन विभाग, पंचायती राज विभाग से अगर हमें कोई ऐसी सहायता राशि मिल जाए, फंड मिल जाए, ताकि हम लोग गाँव घर का विकास कर सकें। तो आप लोग मांग करते होंगे ना कि हमें इस कार्य के लिए इतने पैसे चाहिए या मेरी कार्य योजना है, बनाते होंगे आप लोग? जैसे हाल की बात कर लें तो कोई कार्य योजना आपकी दिमाग में चल रही है? जो मेरी सरकार से एक ही मांग है, आज पूरा पंचायत जो है केंद्र अनुदान की राशि पर ही निर्भर है, उस पर ही आश्रित है। चूँकि उनका स्पष्ट है ना केंद्र अनुदान राशि ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है, चूँकि केंद्र अनुदान की जो राशि है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से और जनसंख्या के अनुपात में हमें केंद्र अनुदान की राशि हमें मिलता है। हमने खेलगांव में जो मुखिया सम्मेलन हुआ था हम लोग के बीच में पंचायती राज मंत्रालय के निदेशक निशा उराव जी मौजूद थे, उनसे मैंने कहा, आग्रह किया कि अगर राज्य वित्त का जो आयोग लागू होता है तो राज्य से अगर हमको अनुदान मिलेगा केंद्र की तर्ज पर तो हम गांव का अपेक्षित विकास कर पाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक झारखंड में राज्य वित्त लागू नहीं हुआ है, जिससे पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं अपने गाँव के विकास में कहीं न कहीं फंड के अभाव के कारण में अपेक्षित विकास नहीं कर पा रहे हैं। तो जिला परिषद के पास फंड रहता है, उनके अध्यक्ष से आप मांग कर सकते हैं या विधायक आपके जो होते होंगे उन्हें उनके पास मांग सकते होंगे या सांसद हैं, कई तरह की जो है पद है, प्रोटोकॉल है, उनसे तो आप लोग मांग रखते होंगे या मुख्यमंत्री के पास या ग्रामीण पंचायत जो मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, उनके पास भी आप लोग मांगे रखते होंगे। कितना पहुँच पाता है धरातल तक? इस विषय पर कई बार हमारे मुखिया प्रतिनिधिगण, राज्य मुखिया संघ के लोग माननीय मंत्री आलम से मिले हुए हैं, अपने मांग पत्र सौंपे हैं, उस पर उचित निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है और अभी जो मांगे हम लोग रखा गया है अभी आश्वासन तक ही सीमित है। मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंचायत राज के तहत राज्य के मुखियाओं के लिए, पंचायत के प्रतिनिधियों के लिए कुछ ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है और पिछले बार हम लोग खेलगांव में जो मुखिया सम्मेलन हुआ है वहाँ तक सरकार की ओर से सकारात्मक पहल हुआ है, वहाँ पर मौजूद थे हम लोग का पंचायती राज निदेशक निशा उराव जी, तो उम्मीद है, विश्वास है कि उनके द्वारा पंचायत में के लिए बेहतर निर्णय लेंगे। लेकिन रोशन, अगले साल चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, सरकार के भी कार्यकाल लगभग पूरा होने को है, 4 साल का वर्षगांठ इस साल पूरा हो जाएंगे। वैसे में क्या लगता है इन 4 सालों में कितना सरकार, चूंकि कहती है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हम गांव तक पहुंच पा रहे हैं, धोती साड़ी कंबल बांट रहे हैं, क्या मिल पाता है वो आप लोगों से तहत या आप लोगों के द्वारा? ये सरकार का जो ये योजना है ये पूर्ववर्ती सरकार
का के समय में भी ये धोती साड़ी जनता दरबार का आयोजन किया जाता है। वो ज़्यादा वैसे कुछ बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, ठंड में कंबल बांटने ये पूर्ववर्ती सरकार ने भी किया था। इस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए मैं सरकार किसी का भी रहे मैं बधाई देना चाहता हूँ कि जनता के हित में गाँव घर के लोगों में गरीब से ठिठुर रहे लोगों के प्रति इतना मानवता का परिचय देते इस तरह का योजना चलाते हैं, इसलिए कि मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार का जो जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है उस जनता दरबार में जितने भी आवेदन आते हैं जितना लोग समस्या लेकर आते हैं उतना समस्या का समाधान नहीं आता है। अधिकारी क्या करते हैं कि जितने भी आवेदन आते हैं आवेदन को समेट के चलते बनते हैं, उसके बाद कुछ होता नहीं है। तो इसी यही कारण है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि BDO CEO नहीं सुनते हैं हमारे, उनका आपने सुना होगा भाषण में कि वह कह रहे हैं कि हमारा अधिकारी जो है नहीं सुन रहे हैं अधिकारी। आज भी BDO CEO हो चाहे थाना हो आज भी स्थानीय जनप्रतिनिधि को उतना मान सम्मान नहीं दिया जाता है। आज भी अफसरशाही हावी है और वैसे बिचौले दलाल किस्म के लोगों को मान सम्मान दिया जाता है और एक पंचायत प्रतिनिधि को उपेक्षित किया जाता है। ये थे हमारे साथ रोशन लाल मुंडा, जिनका कहना है कि जो अभी भी जो है बिचौलिए कहीं ना कहीं जो एक समस्या है वह जो जन तक सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वह नहीं पहुंच पा रही है, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि जो अधिकारी है वह उनकी नहीं सुनते हैं। अधिकारी और यह बिचौलिए का यह समस्या कब तक निदान हो पाता है यह कहीं ना कहीं देखने वाली बात होती है। क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं वह तो जरूर कहते हैं कार्यक्रमों में कि हमारा योगदान है, हमारा जो कार्य है वह गांव के अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वहां तक विकास की योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन वह क्यों नहीं पहुँच पाती है, कहाँ बाधाएँ आती है, उसका कारण बता रहे हैं मुखिया रोशन लाल मुंडा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के रांची से कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।